ये टर्की है। अच्छा, ये तकरीबन 8-9 महीने के हैं, फुल तैयार हैं वो। 8-9 महीने के, साइज इतना बड़ा है तो इनका मतलब कितना साइज होता है मैक्सिमम? साइज मतलब इनका यही होता है, बस उम्र इनकी बढ़ती जाती है, उसके मुताबिक ये होता है कि उसका जो नाक पे गोश है ना ये बढ़ता जाता है उम्र के हिसाब से। बाकी साइज भी खुले रहे तो मतलब माशाल्लाह इससे भी डबल साइज हो जाता है। नर बड़े साइज में होता है, फिर ये दुम जो है ना मोर की तरह, जब मस्ती में आते हैं ना तो दुम गोल करता है मोर की तरह। और ये जो मादी है वो इतनी साइज की होती है? मादी छोटी होती है, इतनी होती है। ये जो बड़ा वाला है ये नर है, ये छोटी वाली मादा है। अच्छा, ये लोग क्यों खरीदते हैं? वजह बस शौक होता है पालने। एक तो ये गर्म होता है, खाने में भी काम आता है, लोग खाते हैं। अच्छा, क्रिसमस में बहुत चलता है, लोग काटते हैं। अच्छा, मतलब ये गांव देहात के इलाकों में, जैसा भी क्वेटा वगैरह हो गया, क्वेटा में लोगों के पास ज्यादातर यही होते हैं, जैसा भी कोई मेहमान वगैरह आ गया तो इन्हीं को काट के खिलाते हैं। अच्छा, इसका गोश्त वाला कैसा होता है? इनका गोश्त वाला प्यारा लजीज होता है, अच्छा गोश्त होता है। कलर कौन कौन से इसमें? कलर इसमें व्हाइट है, ब्लैक कलर है और रेड कलर। लोग कौन से कलर को तरजीह देते हैं ज्यादा? कलर इसमें जो है ना सब चलता है। अच्छा, माशाल्लाह सारे कलर इसके बिकते हैं। अंडों के बारे में बताओ, इसका अंडा कितना साइज कितना होता है? अंडे का, अंडे का इनका साइज बड़ा होता है, तकरीबन बड़ी बत्तख का अंडा होता है ना उस साइज में होता है। अच्छा, ये मैक्सिमम कितने अंडे दे देते हैं वक्त में? ये तकरीबन मुर्गी की तरह है। अच्छा, हाँ। और ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं? ये पाकिस्तान में पाए, पाकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं? ये पेशावर की तरफ भी होते हैं, मतलब जैसे अभी देहाती इलाके है ना तो वहाँ लोगों ने बहुत पाले होते हैं अंडे। बहुत कीमत क्या है? ये तकरीबन 10,000 रुपए का जोड़ा है। 10,000 का जोड़ा है। लोग माशाल्लाह आते हैं खरीदने। आते हैं खरीदने।